उदारवाद के मूल सिद्धांत से रिलेटेड, अर्थात सभी लोग लिख ले हैं कि उदारवाद के मूल सिद्धांत उदारवाद के जो मूल सिद्धांत हैं कौन कौन से हैं और उनमें किस चीज का वर्णन किया गया है। तो उदारवाद एक विशाल नदी की भांति है जिसमें बहुत सी छोटी नदियां मिलती हैं, कह सकते हैं नदी की भांति, और उनसे प्रवाह क्रम में बहुत सी शाखाएं और उपशाखाएं निकली या निकल पड़ती हैं। उदारवाद के मूल सिद्धांत जो अगर देखे जाए तो वो सभी लिखेंगे कौन कौन से हैं। मानवीय विवेक में आस्था, सबसे पहला मानवीय विवेक में आस्था, ठीक। उदारवाद के मूल सिद्धांत की बात हो रही है जिसमें पहला सिद्धांत क्या बताया गया, मानवीय विवेक में आस्था, इतिहास तथा परंपराओं का विरोध। नेक्स्ट सिद्धांत है इतिहास, इतिहास और परंपराओं का विरोध, ठीक है। नेक्स्ट है इतिहास, इतिहास और या तथा परंपराओं का विरोध, इतिहास तथा परंपराओं विरोध। इसके बाद नेक्स्ट मानवीय स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास, नेक्स्ट क्या है मानवीय स्वतंत्रता, स्वतंत्रता की धारणा में विश्वास। नेक्स्ट है व्यक्ति साध्य और समाज और राज्य एक साधन, व्यक्ति साध्य, नेक्स्ट है व्यक्ति साध्य और राज्य साधन, ठीक है। नेक्स्ट है राज्य और समाज भी कर सकते हैं, यहां पर वह समाज भी कर सकते हैं, समाज का राज्य साधन, व्यक्ति साध्य और समाज और राज्य एक प्रकार से साधन, ठीक है। नेक्स्ट है समाज और राज्य कृत्रिम संगठन, समाज और राज्य कृत्रिम संगठन, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की धारणा में विश्वास, व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों में या अधिकारों की धारणा में विश्वास। इसके बाद है धर्मनिरपेक्ष राज्य का आदर्श, धर्म निरपेक्ष राज्य का आदर्श, नेक्स्ट है शासकीय स्वेच्छाचारी या स्वेच्छाचारिता, स्वेच्छाचारिता
का विरोध और कानून की प्रधानता का प्रतिपादन है। कानून की प्रधानता का प्रतिपादन। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन। लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन। लोकतांत्रिक पद्धति का समर्थन। और लास्ट है अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति में विश्वास। अंतर्राष्ट्रीय और विश्व शांति में विश्वास। ये जो टॉपिक बताए गए हैं, सिद्धांत बताए गए हैं, ये आपके राज्य के प्रमुख परिप्रेक्ष्य में से उदारवाद के मूल सिद्धांत के रूप में बताया गया है कि मानवीय विवेक में आस्था अर्थात उदारवाद के जो मूल सिद्धांत हैं उनको मैंने बताया है और आपके पास लिखा दिए गए हैं। ऐसे सिद्धांत जो उदारवाद के मूल सिद्धांत हैं वो लगभग आपके पास मैंने 10 सिद्धांत लिखवा दिए हैं, जिनमें से क्वेश्चन ऐसा बन सकता है उदारवाद के ही 3 मूल सिद्धांतों का वर्णन कीजिए या लिखिए, 4 सिद्धांतों को लिखिए, 2 सिद्धांतों को लिखिए, इस प्रकार से इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, बाकी का आप लोग कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आपको नेक्स्ट क्लास दी जाएगी। थैंक्स।